हमें मोहब्बत उन नौजवानों से है जो खाते पीते घरानों से हैं। जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दिसंबर तो हमारा जैसे तैसे गुजर गया, नया साल शुरू हो गया, लेकिन अब जनवरी में सही ठंड पड़ी है और जो दिसंबर के मौसम एक मशहूर है अपनी सर्दी और एक रोमांटिक मौसम के हवाले से, वो हम जनवरी में महसूस कर रहे हैं। तो तीन चार रोज से मुल्तान में भी काफ़ी सख्त सर्दी है और इस बला की सर्दी में जो है वो दोस्तों की याद आ रही थी, तो हमने आज ग्रुप में लिखा कि दिल तो कर रहा है सब दोस्तों से मिला जाए, लेकिन मौसम की वजह से मैं लोगों को जहमत नहीं देना चाहता, लेकिन फिर भी चंद एक दोस्त जो है उनकी मोहब्बत है। पहले तारिक भाई तशरीफ लाए, फिर जया भाई और फिर खजान भाई, आप सबकी आमद का शुक्रिया और अल्लाह ताला जज़ाए खैर अता फरमाए। ये क्या कहेंगे दोस्तों, सर्दी में बड़ी दूर से आप सफर करके आए हैं। ठंड जिस तरह कह रहे हैं, ठंड बहुत थी, बिस्तर में लिपटे हुए थे, मुर्शिद का मैसेज आया, पैगाम मिला, तो बस लबैक का और सर्दी को बुलाया था करते हुए निकल पाएंगे। बहुत अच्छा लगा माशाल्लाह, खुशी ख्वाहिश थी कि सारे लोग साथ थे, लेकिन कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह सही। थैंक यू सर। जी सर्दी बहुत अच्छी है और ज़बरदस्त है और डॉक्टर साहब की मोहब्बत उससे भी ज़्यादा ज़बरदस्त है। फजान भाई तो अभी अभी अपने जॉब से काम से घर आए थे, तो मैंने कहा गुड़ वाले चावल बस मैं गरम गरम तैयार हैं, कहते मैं 15-20 मिनट लगा दूँ, मैं कहते फिर ख़त्म हो जाएंगे, कहते नहीं मेरी शुगर लो रही है, मैं भी आया अभी। मैं डॉक्टर साहब ने कॉल की, मैंने कहा जी बस आपका हुक्म सर, आपको पे अभी तशरीफ आ रही होगी इंशाल्लाह, मैं आ गया जी बस। बाकी डॉक्टर साहब जी, तो डॉक्टर साहब के मैं यही कहूँगा कि डॉक्टर साहब के अल्फाज में जो है ना और ख्वाहिश में शदीद कशिश थी, और वो कशिश कौन सी थी अब मैं वो कहना नहीं चाहता। पहले मैं ऑफ द कैमरा जो है ना वो डॉक्टर साहब को बता चुका हूँ, ऐसे बहुत सारे जो है ना जो डॉक्टर साहब के चाहने वाले हैं वो परेशान ही ना हो जाए कि ऐसी ख्वाहिशें कब की जाती है हमारी फैमिली में, पर जब बड़े जो है ना बीमार होते हैं फिर वो कहते हैं मैंने फलान भी मिला दी, वो फलान भी मिला दी। ये देख रहे हैं कितने शरारती हमारे दोस्त हैं, तो जैसे कहते हैं बंदे का आखिरी वक्त आया ना, तो मुझे उससे दिलवा दो, तो इस तरह आपने याद किया, मैंने कहा लगे बढ़ दो, ये 2024 की मेरी पहली ख्वाहिश थी। इनका प्यार है और हल्का फुल्का ही मजाक चलता रहता है, अल्लाह ताला सब दोस्तों को सलाम रखे, दोस्तों के दम से ही रौनकें होती हैं, तो इंशाल्लाह जैसे ही मौसम बेहतर होता है, अभी हमारी ऑरेंज पार्टी भी ड्यू है और दावत साग, मुझे दावत साग से प्यार है, तो आज भी मैंने ग्रुप में अपने लिखा था कि दिसंबर का महीना भी गुजर गया, नया साल भी शुरू हो गया, लेकिन दावत साग अभी तक नहीं मिली। अलबत्ता इकबाल अजहरी साहब 3-4 दफ़ा हमारे घर साग पहुँचा चुके हैं, अल्लाह ताला मुझे ज़ाहिर है, इंशाल्लाह जल्द एक छोटा मोटी ट्रिप, और फिर हमारी योम कश्मीर राइड है वो भी अभी तो इलेक्शन के दिन भी उसके करीब हैं, 5 फरवरी को होती है ये राइड योम कश्मीर को, लेकिन 8 को इलेक्शन है, तो उसकी मुनासबत से जो है हम देखते हैं कि इसको आगे करें शायद। बहर इंशाल्लाह दोस्तों का इज्जत नजर मिलता रहेगा पाकिस्तान। अच्छा आज की दावत में सबसे खास बात, माना साहब अगर कैमरा आप जो है ना करीब कर दें, आज चाय नहीं चलेगी, आज दूध चलेगा, क्यों? क्योंकि 2024 में हमें सबको चाय पसंद नहीं है। इस मौके पे एक नारा हो जाए, ये तो होगा। वैसे एक ये भी है।
शहजाद अली भाई की जो दोई में उन्होंने कपो जो है बोर्ड का जो रहा था वो लिया था हमने और बस ठीक तो उससे हमने आज तो हमारे साथ डॉक्टर साहब को मिला नहीं है हां सर ने राम मिला मैंने भी डॉक्टर से मिला लेंगे तारिक भाई आपको लोग जानते हैं सारे भी आना वो अगले तरफ तो मशहूर है आमिर बशीर भाई ने कहा सर्दी में मुझसे मोटरसाइकिल नहीं चलती लेकिन उनका डेली मार्केट में कॉफी पीने पहुंच गए